Hey guys, I'm really very much sorry क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेट है. Guys, मैं एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस गया था जिसके कारण से इतना ज्यादा लेट हो गया वीडियो आने में. I hope कि आपसे regularly videos upload होते रहेंगे. Guys, सोचा करते हो सके तो आप मुझे माफ कर देना क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेट है. आपसे regularly videos आते रहेंगे. दोस्तों, मेरा नाम है दास, आप देख रहे लाइव टॉक्स. चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. गाइस, जब मैं प्रॉब्लम में था तब उसी बीच रोगों को जो है रोगों के बारे में तो आप लोग को मालूम ही होगा. रोगों के दो दो वीडियोस मैंने डाले हुए भी है. रोगों जो हमारा स्पीड डॉग है उसको पार्वो हो गया था. पार्वो इसलिए हुआ था क्योंकि उसका जो वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर तरीके से मतलब शेड्यूल वाइज दिया नहीं जा रहा था. उसका वैक्सीनेशन वगैरह सारे केयर जो है वो सब कुछ मैं ही करता हूँ. तो गाइस, जब मैं प्रॉब्लम में था तब उसका वैक्सीनेशन देना थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण से उसको पार्वो हो गया था. और उसके बाद बहुत ही हॉस्पिटल के झंझट वगैरह सहने पड़े. गाइस, पार्वो हाल ही में बहुत ही ज्यादा फैल गया है. मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने डॉक्टर्स को भी रेगुलर और शेड्यूल मेंटेन करके वैक्सीनेशन आप करवा दें ताकि आपके डॉग्स को भगवान ना करे कभी भी इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े. गाइस, पार्वो डिजीज का जो है ना आजकल बहुत ज्यादा फैल गया है. आप आपके डॉग्स को उससे बचा के रखें. किसी का डॉग अगर नहीं खा रहा, नहीं सो रहा तो उसको उसके पास ना जाने दें. आपके डॉग को पार्वो का सिम्टम्स ये है कि उसके एनल से जो है ना ब्लड रिलीज होना स्टार्ट करेंगे. ब्लड जो है आने स्टार्ट करेंगे उसके एनल से. और खाना छोड़ देगा, थोड़ा बहुत पानी पिएगा. और अगर हो सके तो अपने डॉग्स को कभी भी वैक्सीनेशन के रिलेटेड कोई भी केयरलेसनेस ना करें आप, तो ही आपके डॉग्स को पार्वो डिस्टेंपर वगैरह जैसे जो रोग है उनसे आप अच्छे से उनको सेफ रख पाएंगे. वो चीज करना भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जो मैंने हॉस्पिटल ले गया था लोगों को, तब मैंने 3-4 लोगों से पूछा भी. उनके महंगे महंगे डॉग्स के डॉगर में डालनीशियन एक लैब भी था, उनको भी पार्वो हो गया था. एक को डिस्टिंपर था. सो गाइस, उन सभी ने बोला कि उन्होंने अपने डॉग को वैक्सीनेशन नहीं करवाया. सो गाइस, प्लीज आप ऐसी गलती ना करें, अपने डॉग को वैक्सीनेशन ना करवा के. आप अपने डॉग्स को वैक्सीनेशन शेड्यूल वाइज मैंने बोल दिया है कि कैसे क्या क्या होता है. मैं अगली वीडियो भी उसी के ऊपर डालूंगा कि वैक्सीनेशन क्या होता है शॉर्ट वाइज में और भी अच्छे से आप लोगों को समझा कर. पर आप प्लीज अपने डॉग को वैक्सीनेशन करवाए तो भी आप अपने डॉग्स को पार्वो डिस्टिंपर वगैरह जैसे रोगों से आसानी से बचा के रख पाएंगे. सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. और आज से जो है ना वीडियोस रेगुलरली अपलोड होते रहेंगे. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर.